working. Woo! Learn and Earn channel में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आराम से आप वन मंथ में 1000 से 2000 पॉइंट अर्न कर सकते हो। तो आइए सीधे चलते हैं स्ट्रेटेजी पर। तो देखिए, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले बात आती है टाइम फ्रेम की, क्या मैं इस स्ट्रेटेजी के लिए टाइम फ्रेम क्या रखना है। तो हमारा टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। हम इस स्ट्रेटेजी में एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे और उस इंडिकेटर का नाम है VWAP। मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आप स्ट्रेटेजी देख लीजिए। हमें टाइम फ्रेम लेना है 15 मिनट का, इंडिकेटर लगाना है VWAP, ठीक है। अब VWAP के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये हम जानते हैं। तो एक लाइन सी आती है, हम जानते हैं VWAP के ऊपर हो तो बाय करना है और नीचे हो तो सेल करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। आप सबसे पहले इन दो बातों को ध्यान रखिए कि एक तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और VWAP इंडिकेटर लगाना है। तो आइए मैं अपने चार्ट पर ये दोनों चीज़ें प्लॉट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है और स्टडीज में जा करके ये मैंने ले लिया VWAP। तो आइए देखते हैं, ये चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। इस चार्ट में मैंने ये 15 मिनट की तो कैंडल स्टिक्स लगाई है, कैंडल स्टिक पैटर्न लेना है। और ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन VWAP की लाइन है, ठीक है। तो आइए जब स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए, आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि इनसाइड कैंडल क्या होती है। जैसे ये एक कैंडल बनी और इस कैंडल के अंदर ही एक कैंडल दूसरी बन जाए, तो इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंदर अगर दूसरी कैंडल बनती है, तो ऐसे पैटर्न को हम इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल, ठीक है, या मदर चाइल्ड पैटर्न, ये भी हम कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बननी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। पॉइंट्स को एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इनसाइड कैंडल क्या होती है कि एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बने। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, मैं काफ़ी की पॉइंट्स बताऊंगा, आप इन्हें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो हमारा की पॉइंट है वो है इनसाइड बार फॉर्मेशन। दूसरा हमारा की पॉइंट है कि हमें कलर भी ध्यान रखना है, कलर मैटर्स। VWAP के अगर अबोव है तो हमें इनसाइड बार चाहिए, और इस इनसाइड बार की खासियत यह है कि जो दोनों कैंडल हो वो ग्रीन ही हो। इसके अलावा VWAP के बिलो अगर हमें चाहिए तो भी हमें इनसाइड बार पैटर्न ही चाहिए, और जो दोनों कैंडल्स हो वो रेड हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रह जाएगा। एक की पॉइंट और लिख देता हूँ, बॉडी शुड नॉट टच VWAP। जो भी कैंडल हम कंसिडर करेंगे उसकी जो बॉडी है ना, बॉडी वो टच नहीं करनी चाहिए VWAP को। विक कर सकती है, जो विक बनती है विक टच कर सकती है, पर बॉडी टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा कि एक तो हमें इनसाइड बार फॉर्मेशन चाहिए और उसका कलर हमारे लिए मैटर करता है। अगर VWAP के अबोव है और इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है तो दोनों ही कैंडल्स ग्रीन होनी चाहिए। VWAP के बिलो बन रहा है तो इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है और दोनों ही कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ, ये जो भी काम हम करेंगे वो 3 लॉट में करेंगे, हमारा जो भी वर्क होगा वो 3 लॉट में होगा। बैंक निफ्टी के 3 लॉट आपको अभी ऑप्शंस में ही बताऊंगा, 3 लॉट में अपने को वर्क करना है। और आप इस स्ट्रेटेजी का 1 महीने का मैं बैक टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा, पूरा एक एक दिन का, आप देखिएगा ये स्ट्रेटेजी कितने कमाल की है। देखिए एक चीज, एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
एक जब ये पैटर्न बन रहे हो तो आपको कुछ पैटर्न्स अवॉइड करना है। कैसे? जैसे देखिए, ये अगर मैं बात करूँ इस पैटर्न की, तो ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है, और इसके अंदर ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है। लेकिन आप इस कैंडल को अगर गौर से देखें, इसके दोनों के कलर ग्रीन भी हैं, दोनों के कलर ग्रीन है, इसका भी ग्रीन है, इसका भी ग्रीन है, तो ये हमारे अनुसार एक बाय सेटअप बनता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, देखिए इसमें कितनी बड़ी विक है, यानी जब ये यहाँ तक गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इस पर आया, तो ऑब्वियसली ये बाइंग मोड में जा नहीं सकता। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको किसी ने एक सेटअप दे दिया और बस आप उस सेटअप को लेकर के फॉलो करने लग गए और सीधे बस आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपनी साइकोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मेरे अनुसार ये ट्रेडअप बनता है, जो रूल्स मैंने आपको बताया उसके अनुसार ये सेटअप है, लेकिन आप ज़रा सा दिमाग लगाइए कि इतना तगड़ा प्रेशर जिस कैंडल पे आया हो और फिर उसकी अगली कैंडल भी उसके अंदर बनी हो, तो इसमें तो सेलिंग आएगी ना, इसमें बाइंग कैसे आ सकती है। तो ये नॉर्मल सा दिमाग आपको लगाना है। इसी तरीके से एक कैंडल, एक पैटर्न और है हमारा, वो ये वाला। देखिए इस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये इसके हाई के अंदर है और लो के अंदर है, तो ये इनसाइड बार पैटर्न बन गया हमारे अनुसार। और बात करें तो इसका कलर रेड है और इसका कलर भी रेड है, दोनों का कलर रेड है, तो हमारे अनुसार ये फॉर्मेशन सही है अगर ये वीवीएफ के नीचे बनाए तो। लेकिन आप देखिए इसके अंदर कितना तगड़ा बाइंग प्रेशर है, देखिए नीचे से कितने ऊपर तक ये कैंडल विक बनाकर गई है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में सेलिंग आना पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे सेटअप को आपको अवॉइड करना है। ये दो तरीके के सेटअप मैंने आपको बताए हैं, इन दो सेटअप्स को आपको अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मली जो सेटअप बनते हैं उन्हें आप ले सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे होते हैं। तो एक तो ये सेटअप है हमारा और एक ये वाला, ठीक है। इस तरीके के सेटअप्स को अवॉइड करना है। तो आइए अब हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। एक मैंने बताया था कि जैसे यहाँ देखिए आप, ये जो रेड कैंडल है ये वीवैप को टच कर दी है, इसकी बॉडी टच कर दी है, जबकि इस कैंडल में देखें तो ओनली विक टच हो रही है, बॉडी टच नहीं हो रही है। तो हमें बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, हमारा रूल है कि बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, विक टच होनी चाहिए। तो आइए मैं शुरू से आपको 1 महीने का बैक टेस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं आज तारीख कितनी है। आज तारीख है 21 अप्रैल, और पिछली एक्सपायरी जो थी मार्च की वो थी 25 को, तो हम लगभग 25 मार्च से डाटा चेक करना शुरू करते हैं कि 25 मार्च से हमें कितने मौके मिले और कितने पॉइंट्स मिले। आइए चलते हैं, एक एक दिन को कंसिडर करना है, देखते जाना है, समझते जाना है। मैंने इसको बैक टेस्ट किया है और बैक टेस्ट करके रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए करना क्या है, अच्छे से समझ लीजिएगा और खुद बैक टेस्ट कीजिए। सबसे पहले आप खुद इसको समझिए, इसके रिजल्ट देखिए, स्टॉक्स में इस चीज़ों के रिजल्ट देखिए, और फिर उसके बाद में आप खुद ट्रेड कीजिए। मेरी तरफ से ये कोई एडवाइस नहीं है, कुछ सलाह नहीं है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमारी तारीख है 25, 15 मिनट का हमने चार्ट लगा रखा है, और ये जो लाइन है वो दिखाती है वीवैप को। ये वीवैप हमने इंडिकेटर लगा रखा है, वीवैप के ऊपर हो तो बाय करना है, वीवैप के अपसाइड हो तो बाय करना है, वीवैप के नीचे हो तो सेल करना है। आइए अब हमें इसमें देखना है इनसाइड बार पैटर्न। आइए जूम करता हूँ मैं और धीरे धीरे प्ले करते हैं। तो देखिए ये कैंडल, ये इनसाइड बार पैटर्न नहीं है, ये नहीं, हमें तो रेड में रेड चाहिए सबसे पहली चीज़। तो देखिए रेड और रेड के बाद में रेड ये बना है, वी वेब के नीचे बना है। तो आइए देखते हैं क्या ये इनसाइड बार पैटर्न है। तो मैं अगर इस पर एक क्रॉस एल लाता हूँ तो देखता हूँ इस कैंडल का जो लो है वो है 33,000। देखिए आप लो यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा ताकि वो पता चल जाएगा कि इनसाइड बार है या नहीं है। अगर लाएँ तो इसका लो है 33,029, और ये जो कैंडल है इसका लो है 33,040, यानी ऑब्वियसली ये कैंडल इसके अंदर बनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, अगर मैं इसकी सीध में एक लाइन खींचूँ और इसकी सीध में एक लाइन खींचूँ, तो ये जो कैंडल बनी है ये वाली, ये इसके नीचे बनी है, लो के इसके इसके अंदर बनी है सॉरी, और ये कैंडल वीवैप के नीचे है, और इसकी बॉडी भी देखिए आप वीवैप को टच नहीं करती, ठीक है। तो हमारे सारे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं कि एक तो वीवैप के बिलो हो, दूसरा इनसाइड बार हो, और बोथ शुड बी रेड, दोनों की दोनों रेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये तीनों पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। और जो मैंने विक वाली कैंडल्स बताई थी, जैसे ऐसी कैंडल्स ना हो, तो ऐसी कैंडल नहीं है, देखिए आप अच्छी कैंडल है। तो आइए अब जरा हम इसको सीखते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमें ट्रेडिंग करनी है 3 लॉट्स में, हमें जो ट्रेडिंग करनी है
वो कितने लोट्स में करनी है, 3 लोट्स में करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे ये बैंक निफ्टी हो। मैं अभी आपको ऑप्शंस में भी बताऊंगा कि कैसे काम करना है। तो आप देखिए इस कैंडल का अगर हम लो देखें, ये जो इनसाइड बार में जो मदर कैंडल है इसका हमने लो देखा तो वो था 33,029.3। तो हमारा जो एंट्री प्राइस होगा वो इस कैंडल का लो होगा जो कि हो जाएगा 33,029। ठीक है, समझ गए आप। और हम स्टॉप लॉस का लगाएंगे क्योंकि स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का हाई जो कि है 33,172। इसी कैंडल का हाई 33,172 इस कैंडल का, जो मदर कैंडल है उसी का लो और उसी का हाई। लो पे हमारी एंट्री होगी सेलिंग के लिए और हाई पर हमारा एसएल होगा। ओके, तो ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है, इस एक्सेल शीट में देखते हैं, मैंने एंट्री कर रखी है पहले ही, आज मैंने इसको बैक टेस्ट किया था। तो आप देखिए ये हमारा सेल प्राइस है 25 मार्च 2021 को, ये हमने इसे सेल किया है और 33,029 पे सेल किया है, 33,173 का स्टॉप लॉस लगाया है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 144 पॉइंट का, यानी जो हमारा रिस्क है वो 144 पॉइंट का है। आप इससे मत डरिए कि इतना बड़ा रिस्क है, आप इसकी स्ट्रेटेजी की पावर को समझिएगा। अभी देखिएगा आप, तो इसके अनुसार अगर हम हमारा फर्स्ट टारगेट लेंगे तो वो 32,000, इसमें 33,000 में से मैंने इसको 144 को माइनस कर दिया, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 32,885 हो जाएगा, और फिर 144 पॉइंट कम कर दिए तो दूसरा टारगेट हो जाएगा, और फिर 144 पॉइंट कम कर दिए तो तीसरा टारगेट हो जाएगा। आपको पता होगा सेलिंग कैसे करते हैं, तो सेलिंग के तीनों टारगेट मैंने लगा रखे हैं 32,885, 32,741, 32,597। ठीक है, आइए अब चार्ट पर देखते हैं हमारा जो लास्ट टारगेट है 32,597 वो अचीव होता है क्या। तो देखिए इस दिन इस कैंडल ने सबसे ज़्यादा लो, जो लो बनाया है इस दिन, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का जो लो है वो लो है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको, इस कैंडल का लो है 32,572, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये देखिए 32,572 का लो, जबकि हमारा जो टारगेट था वो था 32,597। तो इजीली तीनों टारगेट अचीव हो गए। अब आपको इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है उसको समझ लीजिए आप। ट्रेडिंग आपको ऐसे करनी है कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है, ये देखिए मैं तीनों टारगेट 32,885, मैं तीनों टारगेट एक बार लिख लेता हूँ, 32,885, और जो दूसरा टारगेट था हमारा, दूसरा टारगेट है 32,741, दूसरा टारगेट है 32,741, और हमारा जो तीसरा टारगेट है वो था 32,597, 32,597। ठीक है, 32,597, ये देखिए आपको TGT 1, TGT 2 और TGT 3। अब आपको इस पे वर्क कैसे करना है वो समझिए आप। जैसे ही आपका पहला टारगेट अचीव होता है तो आपने कितने लॉट्स में बाइंग की है, 3 लॉट्स में बाइंग की है, 3 लॉट्स में, सॉरी 3 लॉट्स में बाइंग की है। तो जैसे ही आपका पहला टारगेट अचीव होता है आप अपने टारगेट सेट करके रखिए पहले ही कैलकुलेट करके, और 1 लॉट से आप एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप 1 लॉट से एग्जिट हो जाएंगे तो अब आपके पास बचेंगे 2 लॉट, आप उन दोनों लॉट को चलने दीजिए, चलने दीजिए। जब टारगेट 2 अचीव होता है, जब आपका टारगेट 2 अचीव हो जाता है, और इसमें अचीव होंगे मैं कह रहा हूँ आपसे, आप खुद भी बैक टेस्ट कीजिए, देखिए उसको, कोई कमी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, आप और मैं मिलकर करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। टीजी 2 अचीव होता है जब आपका, तब आप अपने सेकेंड लोट से, जो आपका दूसरा लोट है उससे एग्जिट हो जाइए, और TGT 3 से आप 3rd लोट से एग्जिट हो जाइए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक एक लोट के हिसाब से एग्जिट होते जाना है, यानी पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाना है। ये नहीं कि मैं तो TGT 3 मिलता ही मिलता है तो मैं तो इसमें पूरा प्रॉफिट बुक करूंगा, ऐसा नहीं करना है हमें, हमें एक 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 टारगेट आने पर एक एक लोट से एग्जिट होते जाना है, और जो हमारा एसएल है उसे ट्रेल करते जाना है। जब आप टारगेट 2 पर पहुंच जाते हैं तो अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट रख दीजिए, ताकि आपको अगर लॉस भी होगा, थर्ड जो लोट है अगर वहां से रिवर्स भी कर जाता है तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे, तो इन जो 2 टारगेट में आपको प्रॉफिट मिला है वो एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस दिन जो हमने टारगेट अचीव किए थे वो तीनों के तीनों टारगेट हमें अचीव हो गए हैं। तो हमने फर्स्ट डे का ट्रेड देखा, इस दिन हमने 33,029 पे से वो सेल किया था, 33,173 इसका स्टॉप लॉस था 144 पॉइंट का, और हमने टारगेट लिए थे पहला टारगेट 144 पॉइंट का रहेगा, दूसरा 288 पॉइंट का रहेगा, और तीसरा रहेगा 432 पॉइंट का। 144 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस दिन हमें तीनों ही टारगेट अचीव हो गए थे। तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ, एक लोट पर तो 144 पॉइंट बुक किए, दूसरे लोट में हमने 288 पॉइंट बुक किए, और तीसरे लोट में हमने 432 पॉइंट बुक किए, तो टोटल जो हमारे पॉइंट्स बुक हुए हैं वो हुए हैं 864। आइए अब आगे सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। तो हम अगला दिन देखते हैं, अगले दिन हम चलते हैं, ये तो हमारा ये दिन खत्म हो गया, इस दिन फिर हमें कोई सेटअप मिला नहीं। अगले दिन हम देखते हैं,
तो अगले दिन जैसे ये देखिए, इसको देखिए, ये इसके हाई के तो अंदर था लेकिन लो के ये बाहर चला गया, तो ये सेटअप नहीं बनता हमारा। और आगे चलते हैं, सॉरी, और आगे चलते हैं। तो जैसे ये सेटअप बना था हमारा, ये देखिए, ये सेटअप बना था, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था, लेकिन ये वी वेब के नीचे चला गया। वी वेब के नीचे चला गया यानी ये हमारा सेटअप अब वैलिड नहीं रहा, समझ गया ना। अगर ये ऊपर ऊपर चल रहा होता तो हम इसके हाई के ऊपर ऑर्डर लगा के बैठते और इसके नीचे का ऐसा लगाते ट्रिगर होने पर, लेकिन ये इसके नीचे चला गया इसलिए हम इसको वैलिड नहीं करते, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब दोबारा बनेगा तो हम फिर देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमने देखा, आगे कोई ऐसा सेटअप बना नहीं। तो इस दिन जो है, इस दिन की एंट्री क्या हुई है हमारी, हाँ, 26 तारीख को हमें नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद में हम आते हैं 27 को, सॉरी 30 को, 30 तारीख को हम आते हैं। तो 30 तारीख को देखिए ये सेटअप, ये जो ट्रैपिंग सेटअप है इसे सीखना है। ये सेटअप ट्रैपिंग सेटअप है, इसमें आप ट्रैप होंगे। देखिए ये वी वेब के ऊपर है, जो मैंने रूल्स बताए हैं, वी वेब के अबोव है, ठीक है। इनसाइड बार पैटर्न भी है ये, और इसके अलावा दोनों के कलर ग्रीन भी हैं, तो बिल्कुल ये बाय सेटअप बनता है। आप इसके हाई पर बाय लगाते हैं और इसके लो का ऐसा रखते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें कितना तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। वीवेप के ऊपर है लेकिन इस पर ऊपर सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है, तो इसीलिए आप देखिए जैसे ही ये ट्रिगर होता है, ट्रिगर होने के बाद में तुरंत नीचे आता है और आपका एसएल खा जाता। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी साइकोलॉजी को वर्क कीजिए, ये नहीं कि एक सेटअप बता दिया गया तो सेटअप पे काम करना है। साइकोलॉजी देखिए कि इस पर कितना तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो ये तो ऑब्वियसली कैसे अब जा सकता है। तो इस दिन को हमने नाम दिया है ट्रैपिंग का डे, इस दिन ट्रैपिंग हो सकती थी। आइए आगे देखते हैं, आगे सेलिंग में कोई मिला क्या? तो रेड में रेड मिल नहीं रहा, हमें ग्रीन में ग्रीन और रेड में रेड देखना है। तो ये जो दिन था 30 मार्च, इसको हमने नाम दिया है ट्रैपिंग डे। इस दिन ट्रैपिंग थी, अगर आप जाते तो आपका जो एक प्रॉफिट था वो अच्छा खासा चला जाता। इसके बाद में अगले दिन हमने देखा, ये बनता सेटअप रेड में रेड, लेकिन ये नीचे हो चुका है, इनसाइड बाहर नहीं बना, चलने दें। ट्रेड छूट जाए छूट जाए, एक एक देखो, एक छोटा सा कन्फ्यूजन और बता दो। देखो ये ग्रीन के अंदर ग्रीन है और ये दोनों ही ग्रीन है और नीचे से बाइंग प्रेशर भी है, तो इसको बाय कर ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, जब तक वी वेब के ऊपर नहीं बने तब तक बाय नहीं करना, वी वेब के नीचे नहीं बने तो सेल नहीं करना। ये मतलब माइंड में क्लियर रखना है, खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी आप कोई प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं, वी वेब के नीचे चल रहे हैं तो रेड में रेड देखेंगे, इस दिन भी कोई सेटअप नहीं मिला। तो हमने 31 तारीख को नो ट्रेड का डेट मार्क किया है। आगे चलते हैं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को देखना मार्केट नीचे आया तो नीचे ही चल रहा है वीवेप के, तो हम रेड में रेड ढूंढेंगे, रेड में रेड कोई सेटअप हमें मिला नहीं। फिर तो उसके बाद में मार्केट अप चला गया, अप जाने के बाद में देखिए यहाँ पर एक सेटअप बनता है, ये देखिए ये इनसाइड बार बन रहा है, ठीक है, और कैंडल अच्छी है। देखिए आप कहेंगे कि इसमें सेलिंग प्रेशर आया, नहीं, तो इसकी बॉडी भी तो देखिए आप, अगर ये सेलिंग प्रेशर ऐसा होता और बॉडी इतनी सी होती तो इसे कहते हैं सेलिंग प्रेशर। ये बॉडी है और ये विक है, ये इतना सा सेलिंग है, तो इसको अपन सेलिंग प्रेशर कंसीडर नहीं कर सकते। ये तो इसमें देखिए ना, बॉडी की तुलना में विक कितनी बड़ी है, इसे अपन सेलिंग प्रेशर कहेंगे। तो इस दिन हमारी एंट्री होती, ऐसा नहीं है, आप खुद भी दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं कि मैं मतलब बस चैनल पे ये वीडियो बनाना है तो बना दिया, मैं आपको जेन्युइन चीज़ दे रहा हूँ। इसका हाई देखिए 33,812.35 है, तो 813 पे हमारी एंट्री होती है, जो इसका लो है 33,674, उस पर हमारी एसएल होता है। तो ये जो हमारा एंट्री होती है ये यहाँ इस कैंडल में, ये एंट्री इस वाली कैंडल में ट्रिगर होती है और तब हम यहाँ का एसएल लगा देते, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, हमने इसकी एंट्री की है, हमने इसको बाय किया है 33,813 पे और हमारा एसएल है 33,674 का, और जो हमारे पॉइंट्स जो टोटल आते हैं एसएल के, वो आते हैं 139 पॉइंट्स। हमें वही तीन टारगेट लेने हैं, पहला टारगेट होगा वो 139 पॉइंट का होगा, दूसरा टारगेट होगा 278 का, और तीसरा टारगेट होगा 417 पॉइंट्स का, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, ये तीनों टारगेट हमारे अचीव होते हैं क्या। आखिरी टारगेट है 34,230 का। तो इस दिन जब ये मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया, ये देखिए जब मार्केट की क्लोजिंग आई, ये क्लोजिंग जो है, इस क्लोजिंग आखिरी कैंडल पर इसका हाई देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई है वो देखिएगा आप, यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए इसका हाई है 34,244 का, है ना, 34,244 का ही। और जबकि जो हमारा टारगेट था वो था 34,230 का, तो ऑब्वियसली हमारे इस दिन भी तीनों टारगेट हिट हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट डे, इस दिन हमने सेपरेट। अब देखो आपको क्या है, एक ये मार्केट फंसाता कैसे, मार्केट ऐसे फंसाता है, देखो इस दिन कितनी शार्प सेलिंग आई है, आइए ना। अब हमारा मन क्या करता है, हम लालच में आ जाते हैं कि यार मेरे से तो ये इतनी बड़ी रैली मिस हो गई, और मैं इसमें कोई टेक्निक लगाता, कोई दिमाग लगाता तो इस रैली के पैसे मैं कमा लेता। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मार्केट जो है ना पूरा का पूरा, ये एक ही चीज़ पे बेस है और वो है ट्रैपिंग।
और स्ट्रैपिंग से जो बचना सीख गया ना, वो इस मार्केट में सरवाइव कर सकता है। और जिसको स्ट्रैपिंग से बचना नहीं आया, उसका मरना निश्चित है, उसको जो है ना ये जो ऑपरेटर है वो ले बैठेगा। तो याद रखना है हम इस चीज को। देखा हमने ये रेड में रेड चल रहा है। अब इस दिन देखो इस जगह पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है, वीवैप के नीचे है, रेड में रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, इसमें देखो कितना तगड़ा बाइंग प्रेशर है। देखो अब जैसे इस कैंडल को और इस कैंडल को देखो, आप इसमें से वीक कैंडल किसे कहोगे, जिसमें वीक सेलिंग है उसको कहोगे ना, क्योंकि देखो इसमें इसमें कितना तगड़ा प्रेशर है। प्रेशर तो इसमें भी है, लेकिन इसकी बॉडी भी तो देखो, आप बॉडी कितनी बड़ी है और इसकी बॉडी देखो आप कितनी सी है, समझ में आई। तो ऐसे सेटअप को अवॉइड करना है, ये हमारा ट्रैपिंग सेटअप था। और इस ट्रैपिंग से ही बचना अगर आप सीख गए ना, तो बस यूं मान लीजिए आप विजेता कहलाएंगे। तो आइए इस दिन को हमने नाम दिया है ट्रैपिंग, 5 अप्रैल को हमने दोबारा ट्रैपिंग नाम दिया है। उसके बाद में आगे चलते हैं, जब तक वीवेप के नीचे ग्रीन में ग्रीन नहीं रेड में रेड देखना है, चलते हैं ठीक है, कोई ट्रेड नहीं। उसके बाद में 6 अप्रैल को देखा हमने ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ग्रीन में ग्रीन। अब ऊपर है तो आप 2 कैंडल लगाता है ग्रीन देखिए, और नीचे है तो 2 कैंडल लगाता है रेड देखिए। जैसे ये रेड में रेड था, ये रेड में रेड था, लेकिन ये नीचे चली गई तो इनसाइड बार नहीं हुआ, ये भी इनसाइड बार नहीं बना। तो इस दिन 6 अप्रैल को भी कोई ट्रेड नहीं मिला, 6 अप्रैल को भी हमने नो ट्रेड कहा है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये हम आते हैं 7 अप्रैल को, इस दिन भी कोई अभी तक नहीं बना, नहीं बना। देखिए इसको कंसिडर मत कर लेना आप, ना ये ग्रीन है ये रेड है, बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करना है। देखिए अभी तक कोई सेटअप नहीं है हमारे पास ग्रीन में ग्रीन, जैसे ये भी नहीं था। तो 7 अप्रैल को भी मेरे हिसाब से नो ट्रेड रहा है, हाँ बिल्कुल 7 अप्रैल को नो ट्रेड है। 8 अप्रैल को भी आप चेक कर सकते हैं, रेड में रेड, जैसे ये देखिए ये यहीं पे इसका लो तोड़ गया, रेड में रेड हमारा सेटअप नहीं बना। 8 अप्रैल को भी हमारा कोई सेटअप नहीं है। आपकी रैली मिस हो रही है, मिस होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। मैं अभी आपको 2-4 बातें बताऊंगा तब आप समझेंगे। ये देखिए कहीं पे भी हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। तो आप खुद भी बैक टेस्ट कीजिए, मेरे कहने पे क्यों मानते हैं आप, ये आप देखिए। 19 अप्रैल तक हमारे पास कोई सेटअप नहीं है। अब सोचिए ये जो इतना लंबा वेट करना पड़ता है, ये इतना लंबा वेट, ये कितना भारी है। आप हर दिन चेक कर रहे हो, 6 अप्रैल को भी कोई सेटअप नहीं है, 7 को भी नहीं है, 8 को भी नहीं है, 9 को भी नहीं है, 10 को भी नहीं है, 12, 13, 15, 16, 19 तारीख तक लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 days, मतलब 9 days तक वेट करना अपने आप में बड़ी बात है। और ये वेटिंग ही तो है जो पैसा कमा करके देती है। अब आप देखिएगा कमाल, हमारे पास सेटअप आया 20 तारीख को, तो मैं सीधा 20 तारीख का भी जो लेटेस्ट कल का जो दिन था, लास्ट जो ट्रेडिंग डे था, इस पर देखते हैं। देखिए मार्केट खुला, अब क्या नीचे आया, अब क्या नीचे आया, अब ये नीचे आ चुका तो हमें रेड में रेड देखना है। तो ये देखिए इस जगह पर ये रेड में रेड है। अब इसको हम बाइंग प्रेशर की कैंडल बोलेंगे क्या, नहीं। देखिए इसकी विक कितनी सी और बॉडी कितनी सी, अगर इसकी देखो कंपैरिजन करना सीखना है, इस कैंडल को और इस कैंडल को देखो, अगर ये कैंडल होती तो मैं कंसिडर नहीं करता, और इस कैंडल को कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों, इसकी बॉडी और विक की साइज देखिए, इसकी बॉडी और विक की साइज देखिए। तो ये सेल्फ माइंड आपको खुद का यूज करना पड़ेगा ट्रेडिंग करते वक्त। तो चलिए इस पर हम ट्रेड करेंगे। इसका लो है 31488 और इसका जो हाई है 31575 है। तो हम देखते हैं ये 31488 पर हमने सेल किया और 31575 का हमने एसएल लगाया, तो एसएल हो गया हमारा 87 पॉइंट का। और जो टारगेट हमारे बनेंगे, पहला बनेगा 87 पॉइंट का, दूसरा बनेगा 174 पॉइंट का, और तीसरा बनेगा 261 पॉइंट का। तो देखते हैं हमारे टारगेट अचीव होते हैं नहीं होते। 31227 ये हमारा लो होना चाहिए आज का, देखते हैं ये लो अचीव हुआ नहीं हुआ। तो देखिए मार्केट नीचे आया और आराम से ये 31201 तक गया है। देखिए इस कैंडल का जो लो है, यहाँ पर आप लो देखिएगा इस जगह पर 31201 तक इसने लो मारा है। और हमारा हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 31227। तो आराम से हमारा तीनों टारगेट इस दिन भी अचीव हो गए। आगे चलते हैं, ये फिर ख़त्म हो गया है। अब आने वाले डेज में 21 अप्रैल से, अभी जो 21 अप्रैल को आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके आगे जो भी ट्रेडिंग डेज आते हैं और लास्ट एक्सपायरी तक, जो लास्ट एक्सपायरी है तब तक, ये आपका काम है कि आप इसको बैक टेस्ट करें और देखें लाइव मार्केट में, देखें कि वास्तविकता में ये चीज़ ट्रेड करती है नहीं करती। मैं आपको स्टॉक्स में भी ये स्ट्रेटेजी है उसका बैक टेस्ट कर रहा हूँ आज और आपको बताऊँगा, तो ये आपको देखना है। अब आप एक बार ज़रा सा प्रॉफिट देखिए और फिर समझिए क्या खेल था। देखिए ये आप समझ गए होंगे, एक लॉट में 144 पॉइंट, दूसरे में 288, तीसरे में 432, 139, 278, 417, 87, 174, 261, इनका टोटल किया तो टोटल पॉइंट्स मिले 864, दूसरे दिन मिले 834 और तीसरी बार में मिले 522। टोटल जो हमने पॉइंट्स गेन किए वो 2220 पॉइंट गेन किए। अब एक बात बताइए, 25 मार्च से ट्रेडिंग शुरू की और 20 अप्रैल तक, मतलब एक महीना होने को आ गया, एक महीने में आप 2220 पॉइंट निकाल रहे हैं, कम बात है क्या?
2.5 लाख के समथिंग का इन्वेस्टमेंट होता है 3 लोट में। आप जीरोधा में जाकर के अगर ट्रेडिंग करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई भी चीज़ मैं आपको फेक नहीं बताऊंगा, रियल बताऊंगा। यही है, ये जीरोधा का टर्मिनल है, और जीरोधा के टर्मिनल में अगर मैं बाय करता हूँ इसको बैंक निफ्टी को, तो आप देखिएगा ये इसका मार्जिन लग रहा है 82,000। और अगर आप 82,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 8 24, 3 2 6 लगभग 2,46,000 आता है। और मैंने इसको राउंड फिगर में 2.5 लाख माना है, ज़्यादा ही माना है कम नहीं माना है। तो आप देखिए कि 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, ये 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2220 पॉइंट अभी तक आपको मिले हैं। 2220, एक एक जो लोट होता है वो 25 का होता है, तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट आया है 55,500 रुपये आया है। अब अगर मैं आपको ये प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट करके बताऊं कि ये प्रॉफिट कितना परसेंट होता है, तो आप देखिएगा, मैं कैलकुलेटर में बताता हूँ आपको, 55,500 का आपका प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट जो हुआ है आपका 2.5 लाख रुपये पर हुआ है, और इनटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल जो आपका प्रॉफिट आया है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, वो आया है 22%। अब 22% का रिटर्न कम होता है क्या? कौन देता है 22% का रिटर्न? एक महीना ही नहीं हुआ अभी तो। अब एक महीने में अगर आप 2220 पॉइंट निकालते हैं, आप यूँ सोचिए, अभी तो पूरा कम से कम 2 हफ्ते बाकी हैं इसमें एक्सपायरी में, तो मैं आपसे ऑन एन एवरेज कहता हूँ कि 3,000 पॉइंट अगर आप निकालते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट ये 2.5 लाख रुपये है, और 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आप 36,000 पॉइंट निकालते हैं, बात समझिए आप। और ये निकलेंगे, बस आपको एक शेर की तरह घात लगा कर बैठे रहना है कि मैं एक ही दिन वार करूँगा, और ऐसा वार करूँगा कि बस आर पार करूँगा। ये समझिए, अपना सेटअप बनने दीजिए। 36,000 पॉइंट को अगर आप एक नॉर्मल वे में, मैं आपकी कैपिटल देखिएगा, 36,000 पॉइंट अगर आप 12 महीने में निकालते हैं और इंटू 25, कितना आया ये कैलकुलेशन कीजिए एक बार, देखिए 21,25,000, 10,000, 1,00,000, 9,00,000 का रिटर्न बनता है। यानी आपकी जो कैपिटल है, जो कैपिटल आपने 2.5 लाख रुपये की है, ये 2.5 लाख रुपये तो आपकी 2 से 3 महीने में कवर हो जाती है। अगर आप तीन और तीन और एक और तीन, अगर 4 महीने तक आप ये 12,000 पॉइंट निकाल लेते हैं, तो आपकी कैपिटल इंटू 25 कर लीजिए ना। आप देखिए कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको, अगर आप 12,000 पॉइंट को, अगर आप 12,000 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 3 लाख की कैपिटल तो याद आती है। 4 महीने में तो जितनी आपकी कैपिटल थी उसको आपने डबल कर दिया, और फिर उसके बाद में आप उसका काम डबल लोड से कर सकते हैं ना, दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझिए। लेकिन सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। देखो वेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आप सोचिए ये वेटिंग कितनी करनी पड़ी, 25 मार्च को सेटअप मिला, उसके बाद में फिर ट्रैपिंग भी मिली है हमें, दो ट्रैपिंग मिली है, उसके बाद में हमें सेटअप मिला है 1 अप्रैल को, और फिर हमें सेटअप मिला है 20 अप्रैल को, मतलब 19 दिन का इंतज़ार। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, आपकी 2.5 लाख की कैपिटल है ना, इसको 1 साल में 9 लाख होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और मैं कहता हूँ 9 लाख तो बड़ी बात है, ये तो जाने दीजिए आप। अगर आपकी कैपिटल 2.5 लाख है, वो 2.5 लाख से 5 लाख हो गई, यानी आपका अकाउंट 2.5 प्लस 5 7.5 लाख हो जाएगा। कम है क्या? कौन देता है इतना रिटर्न? मतलब मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, आप सीखने की कोशिश कीजिए। बस ये है, वेट करना सीखिए, प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता तब तक आप काम मत कीजिए। और अगर आपके पास पूंजी थोड़ी कम है, जैसे 2.5 लाख की पूंजी ज़्यादा हो जाती है, तो देखिए मैं कम पूंजी में भी आपको ऑप्शंस में सेटअप बताऊंगा, ऑप्शंस का सेटअप सीखेगा, और ऑप्शन का सेटअप तो इतना कमाल का निकलता है, कम पैसे में भी आप वहाँ पर मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखनी, सीधी सी बात है, हमारा रिटर्न किस पर वेस्ट होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI किसे बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बेस पे तो रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जितना कम पैसा लगेगा उतना ज़्यादा। सोचो यही काम 6 लोट में होता तो कितना पैसा होता, 12 लोट में होता तो कितना पैसा होता। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपका मैं बनाऊँगा, वो बनाऊँगा ऑप्शन ट्रेडिंग पर, और एक अच्छे सेटअप के साथ बनाऊँगा, बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको, मैं ऐसी नहीं कोई फालतू की चीज़ नहीं। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत हो ट्रेडिंग संबंधी, आप खुल करके बात कीजिए। देखिए मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और मेरी कोशिश है जो मैं सीखूँ, जो बेस्ट निकले वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।